तो गाइज आज फिर एक नए प्रोडक्ट का अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हो ये भी पोर्ट्रॉनिक्स कंपनी का ही है, पोर्ट्रॉनिक्स मोबो 2, जो कि ये मोबाइल स्टैंड है। ये भी मैंने साथ में पावर बैंक के साथ ही परचेज़ किया था, जो कि क्रेडिट कार्ड के जो रिवार्ड्स पॉइंट्स है उसको रिडीम करने के बाद इस वाले प्रोडक्ट को परचेज़ किया था। आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे ये भी प्रोडक्ट के बारे में, हम अनबॉक्सिंग करेंगे और रिव्यू करेंगे कि ये प्रोडक्ट कैसा है और इसकी क्वालिटी कैसा है। इससे पहले कोई चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये जो है 360 डिग्री रोटेशन का है, जो कि मोबाइल स्टैंड है, जो कि आप इसके थ्रू आप कहीं भी अपने कहीं भी कंप्यूटर पर बैठ करके आप काम करते हो, कहीं भी ऑफिस में आप काम कर रहे हो, तो उस जगह पर आपका काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। इससे जो है कि आप लगा करके मोबाइल अपने एक जगह रख दिया और उसको मोबाइल पर चलाना ईजी है, जो कि आपको मोबाइल में मोबाइल को हाथ में लेकर के चलाने की आवश्यकता नहीं होगा। इसी वाले स्टैंड पर आप लगा करके अपने मोबाइल को रख दिया और रखने के बाद भी इस पर आप स्मूथली चला सकते हो। तो गाइस जैसा कि पहले मैं आपको पूरा इसका ओवरव्यू दिखा दूँ, जैसा आप यहाँ देख सकते हो इसके कंपनी का नाम पोर्ट्रॉनिक्स मोबो 2 और यहाँ पे लिखा हुआ है मल्टी फंक्शनल डेस्कटॉप मोबाइल स्टैंड, जो कि मल्टीपर्पज़ के लिए यूज होता है। 360 डिग्री रोटेशन लिखा हुआ है, जो कि यहाँ पे 360 डिग्री में चारों तरफ गोल गोल से घूम जाएगा। और इसके आप इधर देख सकते हो तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें इसमें फ़ीचर्स लिखा हुआ है। बैक साइड में आप यहाँ देखोगे तो इसकी जो है प्राइस और क्वान्टिटी और जहाँ भी प्रोडक्ट मैनुफैक्चर हुआ है वो सारे डिटेल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके बाद इसमें जो है 1 ईयर की वारंटी भी है। और इधर आप देख सकते हो इधर लिखा हुआ है टू बोर्ड टू हैंडल। अब इस प्रोडक्ट को हम इस बॉक्स में से निकालते हैं। इसके साथ में एक बिल आया हुआ है, जो कि ये वाला बिल जो है, इसकी प्राइस की बात करें तो यहाँ पे 530 है, और जबकि मैंने इसको क्रेडिट कार्ड को रिवार्ड्स को रिडीम करने के बाद तो फ्री ऑफ कॉस्ट आया है। और आप अगर अमेजन से ऑनलाइन परचेज करना चाहते हो तो ये आपका जो है 399 में मिल जाएगा, जो कि मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूँगा, आप वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हो। अब इसके साथ में इस प्रोडक्ट को निकालते हैं। वाओ, ये क्या पिन्नी के साथ में पैकिंग है। इसमें से प्रोडक्ट को निकालते हैं और ये देखो, ये रहा इसका प्रोडक्ट, जो कि ये रहा मोबाइल स्टैंड। इसमें आराम से हम मोबाइल लगा सकते हैं। कितना प्यारा कलर है, ब्लैक कलर का है। इसमें दो वेरिएंट आते हैं, जिसमें कि वाइट आता है और एक ब्लैक आता है। अब इस प्रोडक्ट को देखते हैं चारों तरफ से, मैं आपको दिखाता हूँ। काफ़ी प्यारा लग रहा है। यहाँ पर ग्रिप है और यहाँ पर लाइनिंग सी बनी हुई है, जो कि इसके अंदर में मोबाइल स्केच नहीं होगा और काफ़ी अच्छे से इसमें मोबाइल आपका रुक सकता है। अब जैसे यहाँ पर दिख रहा है कि नीचे साइड में जो है इसमें ग्रिप सा दिया हुआ है, रबड़ जैसा दिया हुआ है, जो कि इससे जो है रखने के बाद चिपक जाएगा, जो कि कहीं इधर उधर घिसकेगा नहीं। अब इसके साथ में इसको हम ओपन करते हैं। जैसे ओपन करने के लिए इसको ऊपर की ओर उठाना पड़ेगा, ऐसे पूरा इसको मैंने ओपन कर दिया। इस तरीके से ओपन आप कर सकते हो इसको, अगर जैसे अपने एंगल से इसको सेट करना है आप अपने एंगल से इसको सेट कर सकते हो। जैसे ऐसे इसको सेट कर दिया और यहाँ से आराम से इसको रख करके और अपने एंगल अपने अकॉर्डिंग इसको आप सेट कर सकते हो, कितना सेट करना है। इसके अंदर में यहाँ पे जो एक LED जैसा दिखाई दे रहा है, कुछ भी है नहीं वैसे, एक चीज़ बेसिकली ये चीज़ें डिज़ाइन दिया है, शो के लिए दिया हुआ है। बाकी यहाँ से इसका जो मेन जो लॉक है, लॉक यहाँ से दिया हुआ है। इसको आपको अंदर से पुश करना होगा, ऐसे दबा करके निकालना होगा इसको। एक हो गया, इसके बाद फिर ये जो दूसरा वाला है इसको भी आपको निकालना होगा। निकाल करके यहाँ से आराम से आप ऐसे रख कर को यहाँ पर मोबाइल रख सकते हो, जो कि आपको मैंने पहले बताया था कि ये 360 डिग्री में है। तो आप जैसे यहाँ से रखने के बाद ये 360 डिग्री यानी कि चारों तरफ ही घूम जाएगा। आप इसमें भी यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे जो इसकी कंपनी के जो लोगो और ब्रांड का नाम दिया हुआ है, पोर्ट्रॉनिक्स कंपनी का है, जो कि यहाँ से काफ़ी मजबूत स्टैंड है। इस प्रोडक्ट की बात करते हैं, ये जो आपको पूरा दिख रहा है, ये पोर्शन दिख रहा है, ये सारा चीज़ है एलुमिनियम है और ये वाला जो है प्लास्टिक में है, फिर भी काफ़ी मजबूत है। और इसका लॉक जो है काफ़ी मजबूत है, थोड़ा सा टाइट है इसका लॉक, आप आराम से इसको रख करके ऐसे रख सकते हो, इसको फिर आप इस तरीके से लॉक कर सकते हो। इसके डिज़ाइन की बात करें तो काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है, जैसे आप देख सकते हो पीछे साइड में भी इसमें लाइनिंग से है। इसका जो डिज़ाइन और लुक है काफ़ी अच्छा दिख रहा है और ये चीज़ें जो है आप ऐसे इसे रोटेट कर सकते हो। इसके साथ ही साथ अब आप अगर इसके ऊपर मोबाइल रखते हो तो यहाँ पे एक रबड़ वाला ग्रिप दिया हुआ है, जो कि इसके थ्रू आपका जो है मोबाइल यहाँ से स्लिप नहीं करेगा। एक तो यहाँ पर मोबाइल को पकड़ लेगा और यहाँ से भी पकड़ लेगा, तो मोबाइल आपका स्लिप नहीं कर सकता है। हालाँकि अभी मेरे पास दो मोबाइल नहीं है, इस वजह से मैं इसमें आपको दिखा नहीं रहा हूँ, लेकिन हाँ फिर भी जो मेरे पास पावर बैंक था मैंने उसी को लगा कर दिखा रहा हूँ कि आप आराम से अपने इस तरीके से मोबाइल लगा सकते हो। इस पावर बैंक के ऊपर मैंने वीडियो बना दिया था, आप चाहो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप इस पावर बैंक के बारे में भी देख सकते हो। तो इस प्रकार से आप अपने मोबाइल को भी कहीं भी रख करके इस्तेमाल कर सकते हो, टेबल पर, बेड पर, या और भी कहीं ऑफिस में आप जा सकते हो। और ईजी टू कैरी है, सबसे पहली बात तो कि ईजी टू कैरी है, आप इसको आसानी से कहीं भी ले जा करके आप इसको कहीं भी आसानी से कैरी कर सकते हो। तो इसी बात पे एक लाइक तो बनती है भाई, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए नया नया प्रोडक्ट और नई नई वीडियो बनाकर लाता हूँ। तो इससे क्या होता है कि आप अगर वीडियो को लाइक करते हो, अपने दोस्तों को शेयर करते हो, तो एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हम एक नई वीडियो बनाने का प्रयास में लगे रहते हैं, जो कि अपने आप लोगों के लिए वीडियो बनाकर लाता रहूँ। तो दोस्तों आप भी इस प्रकार से, अगर ये प्रोडक्ट आपको ख़रीदना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप चाहे तो वहाँ से
खरीद सकते हो। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।